मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोकटियाबाद निवासी अर्जुन दुसाद ने उपायुक्त को ज्ञापन देकर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अपने दिए आवेदन में अर्जुन ने लिखा है कि उनके पुश्तैनी जमीन कोलडीहा थाना नंबर 228, हल्का नंबर 9, खाता नंबर 199, 286, 261, प्लॉट नंबर 563, 569, 574, 575, 577 जो कि मोसामात केसिया के नाम से है, उस जमीन पर भूमाफिया अवैध रूप से कब्जा करने में लगे हैं। लिखा है कि वे अनुमंडल कार्यालय तेनुघाट में पदस्थापित थे, जिस कारण उक्त जमीन पर कभी कभी आ पाते थे। इसी बीच उनके घर कोलडीहा स्थित आवास और जोकटियाबाद स्थित आवास में डकैती भी हुई थी, जिसमें उनके जमीन संबंधित कागजात चोरी हो गए थे, जिसका फायदा उठाकर भूमाफिया उनकी जमीन हड़पने में लगे हैं। कहा कि वे रिटायरमेंट के बाद जब उक्त जमीन पर दखल देने गए तो भूमाफियाओं ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। उन्होंने उपायुक्त से इस ओर पहल करते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। गौरव बात कर रहा हूँ। मामला है, मेरा दादी का जमीन कोलडीहा में था, थाना नंबर 228, खाता नंबर 221, 261, इसमें टोटल जमीन 175 डिसमिल। इसमें आज से 2001 में मोहम्मद रिजवान शमसुल हक द्वारा जाली पट्टा बनाने के बाद ये हमारा ज़मीन को दूसरे जगह आदमी के पास बेच दिया। वो जाली पट्टा वो 73 का दिखला रहा है, मेरा दादी जो खरीदा है वो हजारीबाग के एड्रेस है जो 1957 में खरीदा, वहाँ मेरा 2 किता जमीन था, 1 किता हमने बेच दिया, उसमें बहुत तरह के नुकसान हुआ। और हम तेनुघाट में नौकरी करते थे, मेरा जॉइनिंग वहाँ था, हम अपना माँ बाप की सेवा करने को लिया, कभी जो जोकियाबाद आते तो जमीन पर चढ़ नहीं पाते, इसलिए जब हम सेवानिवृत्त हो गए अंचल कार्यालय गिरिडीह से, तो अपना जमीन पर एक दिन हम चढ़े तो वहाँ हमको धमकी दिया गया मोहम्मद रिजवान द्वारा कि यहाँ चढ़ोगे तो तुमको जान मार के फेंकना। इसके बाद हमने विधायक जी को प्रथम आवेदन दिया, दूसरे बार डीसी साहब को दिया, एसडीओ साहब को दिया, सीओ साहब को दिया, आपका नगर आयुक्त को दिया, सभी जगह आवेदन देने के बाद हम भी थाना में भी लिखित सूचना दी, उस पर केस हुआ, केस नंबर 1120 है जो 2020 है, इसमें डीएसपी साहब उसके बाद बीच में उस ज़मीन को पता चला कि अशोक सिंह द्वारा खरीदा गया है जो जिसका खाता नंबर है 261, और फिर पता चला कि उस ज़मीन पर गौरव कुमार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोषाध्यक्ष है वो आज से 1 महीना पहले अशोक सिंह से रजिस्ट्री का वाला ले लिया 4 डिसमिल और उस ज़मीन पर काम शुरू कर। काम शुरू करने के बाद जब हम लोग को पता चला तो हम लोग रोक टोक किए, रोक टोक करने के बाद वहाँ महिला थाना के पुलिस लोग गया और उस काम को बंद कराया। उसके एक दिन पहले उन्होंने चापाकल रात में गड़वा दिया, वहाँ भी बवाल हुआ। हम लोग हरिजन हैं, हम लोग के पास उतना ताकत नहीं है, और अभी थाना में FIR हो चुका है, केस भी 2 हो चुका है, लेकिन अभी पकड़ धकड़ नहीं हो रहा है। और आज भी काम वो लगा दिया है गौरव कुमार उस लड़के के साथ, और 10 लड़का गुंडा वहाँ बैठा के और काम लगाया है, जो इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का एकदम ये क्रेडिट जो है हम लोग भी उसी से काट होते हैं, हम लोग भी वोटर हैं, लेकिन हम लोग विधायक जी से दिनांक 18/7/2020 को हम लोग 8:30 बजे मोबाइल से बात किए और उनको बता दिए। हम फिर उनसे बात किए संजय सिंह से, विधायक जी से बात करने के बाद मोबाइल पर उनको भी बता दिए, आज सुबह भी संजय जी से बात हुआ है उनको बता दिए, लेकिन ये हट कर रहा है, हो सकता है कि उस ज़मीन पर कभी भी मर्डर की स्थिति।